बोले। कामयान न्यूज नेटवर्क, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कामयान न्यूज नेटवर्क में। और आज विशेष यह कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है। इसमें गरबा से रिलेटेड मुद्दा है। जो जानते हैं कि नवरात्रि जो है यहाँ पर जोर शोर से चालू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, कल से इसका आगाज यहाँ पर हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार दानहा प्रशासन ने पहले दिन के गरबे को लेकर काफ़ी सख्ती बरती थी, जिसमें पंडाल नियोजक जो होते हैं, जो गरबा करवाते हैं, संचालक जितने भी हैं यहाँ पर दादरा नगर हवेली के, सभी संचालकों द्वारा RDC से मिला गया है। यहाँ पर उप समाहर्ता ने आज उनको मीटिंग के लिए बुलाया था। उन लोगों से यहाँ पे लोगों ने रजूआत किया है RDC से, और RDC ने किस तरह से उस समय सीमा को लेकर एक पाबंदी जो थी उस पाबंदी को हटाकर कितना समय सीमा दिया गया है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, प्रदेश भर में जगह जगह गरबा रास का कार्यक्रम आयोजित भी किया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन दानहा प्रशासन द्वारा रात 10 बजे सभी गरबा आयोजकों को निर्धारित समय पर ध्वनि प्रदूषण बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके मद्देनज़र सभी संचालकों ने उप समाहर्ता से समय सीमा को बढ़ाने की लेकर मांग रखी। उप समाहर्ता ने इस निर्देश पर क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नवरात्रि चालू हुआ है, कल एक्चुअली प्रशासन ने एक हमें जो निर्देश दिया था कि 10 बजे तक का जो गरबा है वो 10 बजे बंद कर देना चाहिए और इसके बाद DJ वगैरह नहीं चलाना चाहिए था लेकिन आज हम लोग ने पूरी इधर का जो भी दादरा नगर हवेली का, खास करके सिलवासा का आजू बाजू वाला सब सोसाइटी वाले और जो ऑर्गेनाइजेशन जहां भी करते हैं गरबा, वो सब हम लोग मिल के RDC साहब के पास आए थे। और उन्होंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का टाइमिंग ये है 10 बजे सबको DJ बंद करना है, कोई भी साउंड पोल्यूशन नहीं करना है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा अगर ऐसा कोई आप डॉक्यूमेंट मेरे पास लेके आते हैं जिसमें से आप 10 बजे के बाद रिलैक्सेशन देने का कोई कानून अगर कहें अभी कोई ऑर्डर है, अगर इसको मुझे आप लोग उपलब्ध कराते हैं तो मैं इसके बारे में वापस आपको बता दूंगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो हमारा एक कमेटी वाले ने मध्य प्रदेश का और गोवा का जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया था, जहां वो लोग ने स्पेशल केस में रिलीजियस पर्पज़ के लिए 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का जो एक्सटेंशन दिया था, वो पूरा ऑर्डर हम लोगों ने लेके आया था। और RDC साहब ने हमारा जो कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर को भी दोनों जॉइंटली मीटिंग किया और हमें उन्होंने ये बताया कि जो 10 बजे के बाद वो 2 घंटे के लिए अभी वो टेम्पोरली एग्री कर दिए हैं और उन्होंने अभी आगे इसको जाके जो उनकी जो उच्चाधिकारी है उनके सामने रखेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि इसको एक ऑर्डर का तौर पे पास करें। और इसका पहले तो उन्होंने ये कहा कि 10 बजे तक आप जो नॉर्मल चलाना है चला लीजिए, उसके बाद 2 घंटा अभी आप वॉल्यूम कम करके जिसको को डिस्टर्ब ना हो इसी तरफ से ये अपना गरबा चालू रखिए, DJ का साथ चालू रखिए, उनको ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनको हमारी जो भी सारे समितियाँ इसमें कितना भी लोग आए हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, इसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, सारे पार्टी वाले हैं, सारे कमिटी वाले का सारे सोसाइटी वाले हैं और लेडीज़ भी इधर आए हुए हैं, सारे ने मिल के हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें ये बात को हमें परमिशन दिया है कि 12 बजे तक हम गरबा चलाएं, लेकिन 10 बजे के बाद कम नॉइस के साथ चलाएं। इनके इसके लिए हम सारे लोग प्रशासन का, RDC साहब का, पुलिस अधिकारी लोगों का भी धन्यवाद करते हैं।